राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत गुजरात से। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या कहते हैं समीकरण? जी हाँ, राजनीति के समीकरण। आखिरकार किसको जिता रहे हैं, किसको हरा रहे हैं, गुजरात की जनता क्या सोच रही है, और कैसे चुनाव से पहले बहुत बड़ी जीत आम आदमी पार्टी ने हासिल कर, इन तमाम बिंदुओं पर आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जीत को लेकर, कैसे गुजरात चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी जीत गई है। और ये जीत बताती है कि दिल्ली से गुजरात का रास्ता आम आदमी पार्टी के लिए अब ज्यादा दूर नहीं है। दरअसल हाल ही में देखने को मिला कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर लगातार सीबीआई की छापेमारी हुई। यहां तक कि बैंक अकाउंट तक को खंगाला गया, लॉकर तक को खंगाला गया, मनीष सिसोदिया के पुश्तैनी गांव तक चले गए, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। सीधे तौर पर देखने को मिला कि जहां जहां सीबीआई पहुंची वहां वहां उन्हें खाली हाथ ही वहां से लौटना पड़ा। आखिरकार बीजेपी ने मनीष सिसोदिया के आगे घुटने टेक दिए, अरविंद केजरीवाल के आगे घुटने टेक दिए, सीबीआई ने घुटने टेक दिए और मुंह लटकाकर ये लोग वापस चले गए। तो मनीष सिसोदिया ने इसे एक बहुत बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने गरीब जनता के लिए भलाई का काम किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तमाम इन सेक्टर में जनता को आगे किया है, युवाओं के लिए काम किया है और ज्यादा से ज्यादा गरीबों की मदद की है। लेकिन ऐसे में देखा गया कि दिल्ली में जिस तरह से सीबीआई की छापेमारी हुई, इसका सीधा फर्क गुजरात पड़ता नजर आया। गुजरात में आम आदमी पार्टी के वोट शेयर बढ़ गए, क्योंकि गुजरात की जनता ने देखा कि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी निकली, मनीष सिसोदिया एक ईमानदार नेता निकले, अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार नेता निकले, और वाकई जो स्थिति या जो रणनीति देखने को मिली वो सीधे सीधे तौर पर ये बता रही थी कि किस तरह से दिल्ली में जीत, एक बड़ी जीत हासिल हुई है, और गुजरात में आम आदमी पार्टी के वोट शेयर का बढ़ना, यानी कि ये कहता है गुजरात का राजनीतिक समीकरण कि बीजेपी का वोट बैंक वहां से खिसक रहा। गुजरात की जनता बीजेपी से नाराज चल रही है, इसीलिए अब मौका आम आदमी पार्टी को देने की बात कर रही है। और क्या वाकई गुजरात में भी आम आदमी पार्टी अपना झंडा लहरा देगी, जैसे पंजाब में बहुत शानदार जीत हासिल की? गुजरात में आम आदमी पार्टी की जीत ना हो, इसके लिए इन्हें दिल्ली में रोकने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी की ये कोशिश बेकार साबित हुई। यही वजह है कि बीजेपी ने डर की वजह से तमाम सरकारी एजेंसियों को बिठा तो दिया, लेकिन कोई काम नहीं आ पाया। लेकिन दिल्ली से गुजरात का रास्ता जो आम आदमी पार्टी ने तय किया है, लगता है कि फतह हासिल करके ही ये वापस लौटेंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।